तनख्वाहों का मामला, पंजाब हुकूमत की वजाहत, अरकान असेंबली और वज़रा की तनख्वाहें दूसरे सूबों से कम थी। अपोजिशन और हुकूमत ने मुतफिका तौर पर बिल पास किया। ज़ाती तौर पर समझते हैं कि इस मौके पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। तर्जमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पार्टी मामला देखेगी, अगर कोई गलत काम किया तो ठीक करेंगे। अराकीन पंजाब असेंबली की तनख्वाहें और मराआत बढ़ाने पर वज़ीर आज़म इमरान खान नाराज। आवाम को बुनियादी जरूरतें नहीं दे सकते तो ये फैसला नामुनासिब है। अगर मुल्क में खुशहाली होती तो ये फैसला दुरुस्त होता। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, अराकीन की तनख्वाहों में इजाफा मुखर। गवर्नर पंजाब का बिल पर फौरी दस्तखत ना करने का फैसला, दस्तखत वज़ीर आज़म की मर्जी से मशरूत कर दिए। हाथी के पाँव में सबका पाँव, वज़ीर आज़म का ट्वीट आने पर वज़रा का यू टर्न। फवाद चौधरी की तनख्वाहों के मामले पर पहले हाँ फिर ना, खुद को नवाजने के लिए फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। शमसान बुखारी तनख्वाहें बढ़ने पर पहले खुश, वज़ीर आज़म के बयान के बाद नाखुश। बोले, मैंने कोई यू टर्न नहीं लिया, सिर्फ इतना कहा था कि कई अरकान दूर से आते हैं। वज़ीर खेल की भी एंट्री, कहा जो इलेक्शन पर करोड़ों खर्च कर सकते हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाने की जरूरत नहीं। आन चौधरी का इजाफी तनख्वाह ना लेने का ऐलान, डिप्टी स्पीकर वज़ीर आज़म के सामने डट गए, तनख्वाहों में इजाफा खुशाइंद करार। खाली खजाने से साबिक अराकीन असेंबली की भी लॉटरी निकल आई। तब्दीली सरकार ने साबिक अराकीन असेंबली को ताहयात मुफ्त इलाज की सहूलतें दी। इंडोर और आउटडोर का इस्तेहकाम कानूनी करार दे दिया गया। अवामी नुमाइंदे मालाबाल, सरकारी मुलाजमीन बेहाल, बुजदार सरकार की दोहरी पॉलिसी से सरकारी मुलाजमीन को झटके। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के अलाउंसेंस काट लिए गए। बजट बनाने वाले महकमा खजाना के कंपोजर्स का बजट भी कम कर दिया गया। कई सालों से मिलने वाला अलाउंस खत्म होने पर मुलाजमीन में तशवीश की लहर। वज़ीर आज़म वहदानी तर्ज अमल से सूबे को कंट्रोल कर रहे हैं। गवर्नर के ख्यालात वज़ीर आला से भी ज्यादा हैं। क्या वज़ीर आला सूबे को नहीं चला सकते? रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले लैपटॉप और सफाई कंपनी में करप्शन ना होने का हुकूमत ने खुद एतराफ किया। तब्दीली सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को नए इम्तिहान में डाल दिया। इमरजेंसी में एम्बुलेंस को मेट्रो बस ट्रैक इस्तेमाल करने की इजाजत मांग ली। चेयरमैन पीएचए ने मेट्रो ट्रैक पर एम्बुलेंस चलाने के लिए कमिश्नर लाहौर को मरास्ता लिख दिया। लैपटॉप स्कीम में कोई करप्शन नहीं हुई, असेंबली में दिया गया बयान हुकूमत के गले पड़ गया। दो रोज कबल 12 मार्च को पंजाब असेंबली में तहरीरी जवाब जमा करवाया। शहबाज शरीफ ने लैपटॉप स्कीम में करप्शन नहीं की, कोई भी फर्द बदउनवानी में मुलाविस नहीं पाया गया। सबसे कम बोली वाले फर्म से लैपटॉप खरीदे गए। लैपटॉप गायब होने की खबर भी बेबुनियाद है, महकमा हायर एजुकेशन की रिपोर्ट का मतन। लैपटॉप स्कीम में बदउनवानी का मामला, असेंबली में जमा कराई रिपोर्ट पर पंजाब हुकूमत की दूसरे रोज भी वजाहत। शहबाज शरीफ को क्लीन चिट नहीं दी। महकमे का काम तहकीकात करना नहीं, स्कीम में करप्शन हुई है, अब नैब का काम है बदउनवानी को सामने लाए। सूबाई वजीर राजा यासर हमायूं और तर्जमान वजीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सानहे मॉडल टाउन की तहकीकाती टीम का नवाज शरीफ से तफ्तीश का फैसला। जेल में नवाज शरीफ से तफ्तीश की इजाजत दी जाए। पंजाब पुलिस की एहतसाब अदालत से इस्तदा, अदालत ने इजाजत दे दी। नैब की पंजाब पुलिस की दरख्वास्त की मुखालफत, पुलिस तफ्तीश के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू करे नैब। पहली नंबर 4470 से मुलाकात का दिन, मरियम नवाज और जाती मालिज की जेल आमद। नवाज शरीफ से मुलाकात, तबियत खराबी के बायस नवाज शरीफ अहले खाना के अलावा किसी से ना मिले। कोट लखपत जेल के बाहर लीगी कारकुनों की कुरान खानी, नवाज शरीफ की सेहतयाबी के लिए दुआ। नवाज बिलावल मुलाकात के बाद JUI भी मुतहर्र। मौलाना फजलुर रहमान की कल नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। मियाँ साहब की तबीयत ठीक नहीं, उनको इंजाइना की तकलीफ हुई है। वज़ीर-ए-इत्तला'आत आज़ाद कश्मीर मुश्ताक मिनहास की गुफ्तगू।
का खोखर बरादरान का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म। किसने किसको अराजी बेची हमारा ताल्लुक नहीं है, हमारे कंधे पर रख कर केस नैब को रेफर मत करें। अदालत का डीजीएलडीए से मुकालमा, तहकीकात में खोखर बरादरान कसूरवार पाए गए। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाएं जाकर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। जस्टिस मंजूर मलिक, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस निपटा दिया। डीजीएलडीए समेत दीगर इदारों को खुद तहकीकात का हुक्म। करतारपुर बॉर्डर राहदारी में अहम पेशरफ, टटारी बॉर्डर पर होने वाला इजलास मुकम्मल। तर्जमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल कहते हैं सारी मुलाकात मस्बत माहौल में हुई, अभी तक कुछ चीज़ों पर इख्तलाफ है, तकनीकी नुकात पर एक इजलास 19 मार्च को होगा। एफबीआर के छापों से तंग ताजर सड़कों पर निकल आए, ताजरों की शटर डाउन हड़ताल। दालगरा चौक पर एहतजाजी मुजाहरा, ताजर रहनुमा मोहम्मद अली मियां बोले रिकॉर्ड चेक करना एफबीआर का हक है, टैक्स देने वालों की तस्दीक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हम एफबीआर की कार्रवाइयों से मुतमिन नहीं हैं। एसीसीटी हमाद रजा भट्ट का हॉल रोड का दौरा, ताजर रहनुमाओं से मुलाकात। ताजरों ने तजावजात और पार्किंग से मुतालिक शिकायत के अंबार लगा दिए, असिस्टेंट कमिश्नर की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मुलाजमीन की अपग्रेडेशन और मुस्तकली का मुतालिबा, रेलवे डिप्लोमा इंजीनियर फेडरेशन भी मुतालिबात के लिए सरपा एहतजाज, रेलवे पावर हाउस के सामने मुजाहरा नारेबाजी। लाहौर की कमर्शलाइजेशन के एग्जीक्यूटिव इख्तियारात बल्दी आजमा से एलडीए को देने का मामला, सिक्योरिटी बल्दियात ने अहकाम मनसूखी के लिए समरी वजीर आला को भिजवा दी, आला सतही इजलास में अफसरान का फैसला। सगिया रावे पुल मुरम्मती काम के बायस हैवी ट्रैफिक के लिए बंद, हैवी ट्रैफिक का शाहदरा चौक और बाबू साबू से दाखिल और अखराज हो सकेगा। शहर में आउट और इन होने के लिए ट्रैफिक को टू वे चलाया जाने लगा, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए वार्डन्स के इजाफी नफरी तैनात, शहरी मजीद रहनुमाई के लिए रास्ता ऐप इस्तेमाल करें। सिटी लाहौर पांच दर्जाती तरक्याती फार्मूला नामंजूर, प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के तहत एहतजाजी तहरीक शुरू, असातिज़ा ने काली पट्टियां बांधकर क्लासें पढ़ाई। पंजाब के इंजीनियर्स का भी मुतालबात के लिए सड़कों पर आने का ऐलान, इंजीनियर्स एसोसिएशन ने एहतजाजी रैली के लिए सिक्योरिटी मांग ली, कमिश्नर लाहौर को खत। दारुल शफकत में बच्चों के लिए पुतली तमाशा और मैजिक शो, बच्चों ने भी मैजिक शो में खूब करतब दिखाए। डीसी लाहौर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, कहा दारुल शफकत में मौजूद बच्चे पूरी कौम के बच्चे हैं, क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का भी पैगाम दिया। और हेरिटेज म्यूजियम में फन मुसवरी की नुमाइश, आर्टिस्ट एजाज अनवर के 50 से ज्यादा नमूने नुमाइश के लिए पेश, माशरती मसाइल की अक्कासी करती शानदार पेंटिंग्स को हाजरीन ने खूब सराहा।